जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने गंगा नदी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और आज हम गंगा नदी के मेन, जो गंगा नदी हमारा स्टार्ट होता है, मतलब कल मैंने आपको पंच प्रयाग के बारे में बता दिया था। जो जो डिस्कशन होता है पंच प्रयाग के बाद ही हमारी गंगा नदी एक तरीके से स्टार्ट होती है। तो कल हमने पंच प्रयाग तक ख़त्म कर दिया था, जो कि यहाँ से मैंने आपको बता दिया था कि देव प्रयाग में भागीरथी जब मिलती है, तो भागीरथी जब अलकनंदा से देव प्रयाग में मिलती है तो वो गंगा के बन जाए गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये पॉइंट हो गया देव प्रयाग। देव प्रयाग आज मैं इसके आगे से एक तरीके से गंगा नदी को आपको बताऊंगा, जो कि मेन फ्लो ऑफ गंगा यहाँ से हो जाता है स्टार्ट। तो और मैं आपको इसके लिए बहुत बेहतरीन एक कोड दूंगा, जिससे आपको बहुत 2 मिनट में ये याद भी हो जाएगा। इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसको याद करने के लिए। तो ये सबसे पहला जो जुड़ता है नदी, इसका नाम है राम गंगा। ये है गोमती, फिर है घाघरा, घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, फिर आता है महानंद, महानंद। और एक होता है गंगा जमुना, यह है जमुना। और दूसरा एक है हमारा सोन। बस ये है हमारा एक तरीके से गंगा का पूरा सिस्टम, यहाँ से ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं आपको कोड बता देता हूँ, जो कि कोड है राम गंगा ने गोमती के घाघरे घाघरे को गंडक में गंडक में डुबोया, डुबोया जिससे बूढ़ी गंडक गंडक कोसी जाकर महानंद को बताया, नंद को बताया। तो राम गंगा से ये हमारा हो गया राम गंगा, गोमती गोमती, घाघरे से घाघरे, गंडक से यहाँ पे गंडक, बूढ़ी गंडक से बूढ़ी गंडक, कोसी से कोसी, और महानंद से महानंद। ठीक है, ये हमारा पूरा गंगा का सिस्टम। अब बस ये एक्स्ट्रा आपको जमुना और सोन याद करना होगा, बस ये हमारा है गंगा रिवर सिस्टम। अब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैं आपको अगली वीडियो में लेके मिलता हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।